आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जो मैं आपको बताऊंगा एसएससी सीएचएसएल 2024 की टाइपिंग स्किल के बारे में। कि सीएचएसएल में आप जानते होंगे कि तीन पेपर होते हैं, टायर फर्स्ट, टायर सेकंड और टायर थर्ड। तो टायर थर्ड जो होती है वो टाइपिंग टेस्ट होती है और स्किल टेस्ट होती है। तो मैं आपको पूरा आज, क्योंकि सीएचएसएल अगर आपको क्रैक करना है तो आपकी टाइपिंग और स्किल टेस्ट जो है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और मैंने इस पे वीडियो बना दिया था एक, इसकी वैकेंसी कब आ रही है, कौन फॉर्म भर सकता है, इसकी क्या योग्यता है। और एक वीडियो मैं आपको और बना के दूंगा कि सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न पूरा क्या है, टायर फर्स्ट क्या होता है, टायर सेकेंड में क्या सब आता है। मैं सारी चीज़ें एक वीडियो प्रॉपरली बनाऊंगा एग्जाम पैटर्न पे सीएचएसएल के बारे में, टेंशन मत लीजिए। लेकिन आज जो मैं चर्चा करूंगा तो सीएचएसएल में मैं टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के बारे में बात करूंगा कि ये क्या है, कैसे इसकी तैयारी करें, स्पीड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होगा जो सीएचएसएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसकी वैकेंसी आने वाली है, आपको पता है 2 अप्रैल से जो है सो फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने वीडियो बना दिया था, जो नहीं देखे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सीएचएसएल में होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीन पेपर होते हैं, टायर फर्स्ट, टायर सेकेंड और टायर थर्ड। तो टायर थर्ड जो होता है, लास्ट जो होता है, वो होता है टाइपिंग स्किल और टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट। तो इसमें सबसे पहले बताता हूँ, इसमें मेन जो है वो तीन पोस्ट होते हैं सीएचएसएल के अंतर्गत, तीन पोस्ट मेन होते हैं। ऐसे देखोगे टोटल 5 पोस्ट होते हैं, 5 पद होते हैं। ठीक है, तो मैन की बात करते हैं, उसी हिसाब को भी पता चल जाएगा। एक पोस्ट जो होता है वो पोस्ट होता है एलडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क, और दूसरा जो पोस्ट होता है वो होता है जेएसए, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट बोलते हैं इसको। और तीसरा जो पोस्ट होता है उसमें होता है कि डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो जब आप टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड, जब आप उसको मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड के बाद, क्योंकि टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड से मेरिट लिस्ट लगती है, तो जब आप कट ऑफ बन जाती है, मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हैं, तो टायर थर्ड एग्जाम होता है। और टायर थर्ड जो है वो टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट होता है। तो टाइपिंग टेस्ट जो है, तो अगर आपने फॉर्म एलडीसी के लिए और जेएससी पोस्ट के लिए भरा है तो आपके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, और अगर डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भरा है तो आपका जो टेस्ट होगा, जो टायर थर्ड होगा, वो क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। बेसिक आपको पता भी होगा कि इसमें एक जो है सो एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स होता है, इंग्लिश में लिखा रहता है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। टोटल वर्ड्स होते हैं वो 6800 होते हैं, 6800 वर्ड्स होते हैं। आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, 10 मिनट्स का टाइम दिया रहता है। और इंग्लिश वाले को जो इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसको 35 WPM होता है, यानी कि एक मिनट में आपको 35 यानी कि 35 वर्ड्स टाइप करने होते हैं मिनिमम। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, क्योंकि 35 के स्पीड से होगा नहीं। मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा और किस किस वर्ड्स पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे छोटे छोटे मर्स वर्ड पे इस पेंटिंग का कहीं टाइपिंग सीख लेता है जाकर के 200-400 रुपया, उससे नहीं होगा। इसकी टाइपिंग का लेवल बहुत हार्ड होता है, इसकी स्किल टेस्ट काफी अच्छा होता है। मैं आपको सारा बताऊंगा, पहले आप बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देता हूँ। तो इंग्लिश वालों के लिए 35 मांगता है और हिंदी में टाइपिंग जो होता है पर मिनट कितने होते हैं, 30 वर्ड्स का होता है। तो ये तो है कि इतना आपके पास मिनिमम होना चाहिए, क्लियर हो गया। अब जो डीईओ वाले के लिए होता है, इसमें स्किल टेस्ट होते हैं, टोटल जो है वो 8000 की डिप्रेशंस दिया रहता है, 8000 आपको एक जो है सो एक प्रिंटेड एक डॉक्यूमेंट्स होगा, इंग्लिश में एक पेज देगा आपको, और उसमें 8000 लगभग वर्ड्स होते हैं। और इसमें 15 मिनट का टाइम दिया रहता है, 15 मिनट का ये टेस्ट होता है, ये जो है 10 मिनट का टेस्ट होता है। और इसमें आपको जो मिनिमम जो आपको जो की डिप्रेशंस करने होते हैं, जो वर्ड्स दबाने होते हैं, वो दबाने होते हैं 135 की डिप्रेशंस पर मिनट मिनिमम है, ये इतना आपको होना चाहिए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लगभग 15 मिनट में आपको 2000 से 2200 की डिप्रेशंस होने चाहिए, इसमें 10 मिनट में लगभग आपको 2100 से 2200 वर्ड्स होने चाहिए। तो ये जो है ये क्वालिफाइंग है। टायर थर्ड जो है, टायर थर्ड का मार्क्स कभी नहीं जुड़ता है, पहले आप समझ लीजिएगा। तो टायर थर्ड जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, लेकिन होता क्या है कि क्या आपकी 35 स्पीड रहेगी तो क्या आप कवर कर जाओगे, नहीं, पहले आप समझो। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी 40-40 टाइपिंग स्पीड है, की डिप्रेशन से स्किल उसकी 35 से ज्यादा है, 40 है, और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, छट गया बेचारा। तो अब देखो होता क्या है, आप करते क्या है, आप मान लीजिए कहीं टाइपिंग सीखते हैं, तो मान लीजिए वहां जाते हैं, आप सीखते हैं, 200-400 रुपये आप महीना देकर के आप सीख लेते हैं, क्या सीखते हैं, राम इज अ बॉय, सीता इज अ गर्ल, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही लिव्स इन माई नेबरहुड। तो हम ना इजी वर्ड्स पे बच्चे जो है टाइपिंग सीख लेते हैं, ठीक है, और मैडम या सर जी से सीखते हुए दिखाता, देखो 35 तुम्हारी स्पीड आ गई, इज एम आर वाज और बेसिक राम श्याम मोहन पे टाइपिंग करते हैं। वहां जो टाइपिंग स्किल लिया जाता है या जो स्किल टेस्ट होता है डीओ के लिए, वहां पर नॉर्मल वर्ड होते ही नहीं है,
आप पहले समझिए, नॉर्मल वर्ड होते ही नहीं है वहां पे। एक जो है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट देगा आपको, काफी हैवी वर्ड्स रहते हैं उसमें। जैसे वहां दिया रहेगा कि होम मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन 18th मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन, ऐसे करके दिया रहे, काफी हैवी वर्ड्स दिया रहता है। तो कभी भी दो चीजें आपको बताता हूं मैं, कभी भी आप 35 स्पीड से होगा नहीं, आपकी मिनिमम स्पीड जो है वो 45 प्लस होनी चाहिए, 40 वाला छट के आया है। और कभी जो आप प्रैक्टिस करना है इस पे, तो स्टार्टिंग में तो छोटे वर्ड से ही आप प्रैक्टिस करो, राम इज अ बॉय, सीता इज अ गर्ल, समझ रहे कि नहीं, आई हैव अबाउट सम बुक्स, इसी पे बेसिस कीजिए। उसके बाद आप कम से कम इस बेसिक वर्ड्स पे जो है, कम से कम अपनी स्पीड जो है वो 50 तक लेके जाओ, मेहनत करो, रोज का रोज इस पे टाइम दो, समझ गए ना। क्यों? क्योंकि फॉर्म तो निकल जाएगा, फिर उसके बाद टाइम ज्यादा नहीं रहता है इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों के लिए टाइम चाहिए। आज के डेट में अगर आपको जॉब चाहिए, आप गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो इसके बाबू आपको साल दो साल देना पड़ेगा, जो फैक्ट है मैं आपको वही बता रहा है, सच्चाई है। ये छोटे मोटे टाइपिंग से कहीं सीख लेंगे एक दो घंटा, नहीं होगा, इसमें स्क्रीन टेस्ट बढ़ानी पड़ेगी। तो नॉर्मल वर्ड्स पे पहले आप सीखिए स्टार्टिंग में, और आपकी जो स्पीड है वो 50 प्लस होनी चाहिए। तब आप क्या करोगे, ध्यान सुनो, जब आप 50-55 की स्पीड बढ़ा ले नॉर्मल पे, तब आप जो है किसी शॉप में जाओ, या आप गूगल से, या आप SSC की जो साइट है उससे आप निकाल सकते हैं, www.ssc.gov.in ओरिजिनल साइट है SSC, वहां पे आप निकाल लीजिए, और वहां पे निकाल लीजिए प्रीवियस ईयर का स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट का जो है पेपर है, वो आप डालिएगा, वो सारा दिया हुआ उसके ऊपर, और उस पेपर की आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे, बार बार उस पेपर को टाइप करने की कोशिश की। उसके वर्ड्स होते हैं वो काफी जो है ना गवर्नमेंटल वर्ड्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स होते हैं, काफी मतलब डिपार्टमेंटल वर्ड्स उसमें डाले गए रहते हैं, काफी हैवी वर्ड्स होते हैं, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको प्रैक्टिस उस पे करनी है, और उस पे जो प्रैक्टिस करनी है, और उस पे स्पीड जो आपकी बननी चाहिए वो 45 प्लस की बननी चाहिए। इतना नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का जो माहौल होता है, जो आपकी प्रेशर होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, आती हुई चीजों में मिस्टेक करने लगोगे। जो आप घर पे जो सीखते हैं या कोचिंग में सीखते हैं, तो जो आपका माथा वहां शांत रहता है, उतना माथा वहां रहता है, माइंड वहां अंडर प्रेशर में काम करता है, तो आपकी वहां पे स्पीड घटेगी। तो अगर आपकी स्पीड 45 तक है, तब वहां जाकर के आपकी 35, 36, 38 तक बनेगी। अगर आप 35 तक की स्पीड रखते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में कभी आपकी 35 नहीं आई, घट करके आपकी 25, 28, 30 तक आ जाएगी। आई बात समझ में? इसकी तैयारी ऐसे करनी है, पहले छोटे छोटे मोड्स पर टॉपिक कीजिए और उसको 50 तक ले जाइए, और उसके बाद जो है सो एकदम जो पिछले प्रीवियस एग्जाम में जो पूछा गया है वहां पे SSC की साइड से नोट कर लीजिए, और उस पर खूब प्रैक्टिस कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप CHSL का एग्जाम देना चाहते हैं, तो टाइपिंग, ये किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, CHSL की नहीं, बाकी जितने भी टाइपिंग स्किल के लिए एग्जाम वाले पोस्ट आते हैं, DSSP में आती है, बहुत तरह की रेलवे में निकलती है, तो स्किलिंग टेस्ट हमेशा जितना दिया रहता है, ये तो क्वालिफाइंग है ना, ये इतना तक लाना है आपको, लेकिन इतने तक लाने के लिए आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये मैं दोनों के लिए बता दिया हूं। आप इसकी बुक भी मार्केट में अवेलेबल है, टाइपिंग स्किल का जो प्रीवियस है वो भी ले सकते हैं। सबसे बढ़िया है कि आप SSC की साइट पे जाओ और आप डाउनलोड कर लीजिए। आई बात समझ में? और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, 35 से अगर आप 45 भी कर लेते हो तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, इसका मार्क्स कभी भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होता है। हाँ, ये क्वालिफाइंग पेपर है। कभी जिसकी मेरिट लिस्ट बनती है वो टायर फर्स्ट और टायर सेकंड से मेरिट लिस्ट बनती है, टायर थर्ड के नहीं। तो मैं एक बार टायर फर्स्ट और टायर सेकंड का कट ऑफ मेरिट लिस्ट कितनी जाती है, पूरा एग्जाम पैटर्न का मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। अब टेंशन मत लीजिए, आज मैं सिर्फ टाइपिंग स्किल के बारे में बता दिया हूं, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 2024 में तो इतनी वैकेंसी आ रही है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, मैंने पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।